पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति चर्चा की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को लेकर समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक मुंडा पांडे सभागार में आज ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित अधिकारी भक्ति सिंह चौहान ने बताया कि आज आंगनवाड़ी आशा व BHSNC के सदस्यों के साथ स्वच्छता एवं पोषण संबंधी विषय पर चर्चा की गई और उनको प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यक्रम दीनदयाल राज्य ग्राम विकास संस्थान एवं UPHSC लखनऊ द्वारा संचालित एवं विश्व बैंक द्वारा सोशल अकाउंट वैलिडिटी इंटरनेशनल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला ग्राम विकास संस्था से आए प्रशिक्षक गणेश चंद शर्मा एवं उप जिला समन्वयक अरविंद कुमार, ग्राम पंचायत अनिल कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, दिलशाद हुसैन आदि उपस्थित रहे। जी आज ये मीटिंग चल रही है, क्या मामला सब पूरा बताएंगे? हाँ, ये ब्लॉक में मीटिंग चल रही है, इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताया है, सफाई के बारे में बताया गया है। क्या क्या बताया गया सफाई के बारे में? कैसे सफाई करनी चाहिए? गांव में अपनी महिलाओं को समझाओ, किशोरियों को समझाओ, बच्चों को सफाई के बारे में बताओ, टीके के बारे में, पोषाहार के बारे में, जॉबों के बारे में, मतलब क्या क्या उनके वो हैं, अधिकार हैं, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या बताया था उन्हें? जानकारी दे के तभी तो इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें हम जानकारी दें, उनकी मीटिंग करें गांव में, एनम आशा आंगनवाड़ी के साथ मीटिंग करें। अच्छा, आप लोग गांव में जाते हो? जाते हैं। क्या क्या समझाते हो? हम उन्हें सफाई के बारे में बताते हैं, टीकों के बारे में बताते हैं, उनके हकों के बारे में बताते हैं। सुशील चौहान, मैं प्रसाद प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर काम कर रहा हूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये सोशल अकाउंटेबिलिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो हमारी गांव के अंदर BHSC बनी हुई हैं, जो समितियां बनी हुई हैं, ग्राम स्वच्छता पोषण एवं स्वास्थ्य समिति, इस समिति को बनाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। गांव में बहुत पहले से चली आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गांव की जनता है, जो समाज के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य में, पोषण में एक पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि IUC प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। यानी जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं जनता तक पहुँचे, उनको प्रशिक्षित किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके और उनसे संवाद हो सके। क्योंकि जो भी हम कार्यक्रम लेकर के स्वास्थ्य का कार्यक्रम या पोषण का कार्यक्रम लेकर के गाँव में पहुँचे हैं, उसको जनता तक पहुँचाना, जब जनता की जवाबदेही, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तो अपनी एक जवाबदेही, जैसे ही योजना उनके पास आती है, लक्ष्य मिलता है, तो अपने काम को जब वो पूरा करना शुरू कर देते हैं, उनकी अपनी जवाबदेही वहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन जनता की जवाबदेही यहाँ पे आ जाती है। जब तक जनता किसी कार्यक्रम की मांग नहीं करती है, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट जो आना चाहिए वो रिजल्ट सामने नहीं आता। इस रिजल्ट को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए एक पूरा ढांचा खड़ा किया गया है, जिसमें हमारे ब्लॉक स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर की बात की गई है और जिला स्तर पर कोऑर्डिनेटर की बात। इसके साथ साथ GPC बनाए गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत में जाकर के मॉनिटरिंग करते हैं।